बड़ी खतरनाक कहानी है ना, एक कुतिया और एक हथिनी, बहुत अच्छी दोस्त थी, प्रेग्नेंट हो गई। कुतिया ने 4 महीने के बाद 1 दर्जन बच्चों को जन्म दिया, 6 महीने के बाद 5-6 और दिए। अब वो हथिनी के पास गई तो वहां तो कुछ नहीं था, 6 महीने बाद 1 दर्जन और बच्चे, 6 महीने बाद 10 बच्चे और, 2 साल में करीब करीब उस पपी ने 20-22 बच्चे दिए। वो हथिनी के पास गई भागी भागी, आर यू श्योर यू आर प्रेग्नेंट, आर यू श्योर, इन 2 ईयर्स करीब करीब 20 बच्चा दिया मैंने, और इन 2 ईयर्स नॉट इवन। हथिनी ने उसको बोला, मैं तुझे कुछ समझाना चाहती हूं, सुन, व्हाट आई एम कैरिंग इज नॉट अ पपी, इट्स एलिफेंट, व्हाट आई एम कैरिंग इनसाइड मी इज नॉट अ पपी, इट्स एलिफेंट। और व्हेन माय बेबी हिट्स द ग्राउंड अर्थ फील्स इट, जब मेरा बच्चा गिरेगा धरती इसको फील करेगी। व्हेन माय बेबी क्रॉसेस द रोड पीपल विल स्टॉप एंड एडमायर हिम। वी आर नॉट गिविंग बर्थ टू पपीज, वी आर गिविंग बर्थ टू एलिफेंट। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक सम गुड टाइम, कभी कभी टाइम लगेगा यार। तो कुछ लोग आएंगे तुम्हारे पे, तेरा हुआ, तेरा हुआ, हमारा तो हो रहा है, हमारा तो हो रहा है, अब तुम उसी से कंपेयर, हमारा तो नहीं हो रहा, इसका तो हो गया, हमारा तो नहीं हो रहा। अब वो आए आए आए, हमारा हुआ, बोला हमारा हाथी का है, समय लगेगा, जा। कैसे कैसे उदाहरण देने पड़ते हैं ताकि तुम मोटिवेट रहो।